लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, हर चीज के लिए पार्टनर पर रहते हैं निर्भर, रिलेशनशिप में क्यों गलत है ओवर डिपेंडेंसी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए प्यार और भरोसा दोनों जरूरी है। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हम उस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। हम उस पर इमोशनली और मेंटली डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पार्टनर की बात ना करने या मैसेज ना आने पर बेचैन हो जाना आदि। वहीं कई महिलाएं शादी के बाद फाइनेंशियली अपने पार्टनर पर डिपेंड हो जाती हैं, घर और परिवार की समस्याओं के कारण भी वो अपनी जरूरतों के लिए पार्टनर पर निर्भर रहती हैं। रिलेशनशिप में एक दूसरे पर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर होना गलत नहीं है, लेकिन ये ओवर डिपेंडेंसी बन जाती है तो ऐसे में रिश्ते में गलतफहमी बढ़ सकती है। इसके कारण मेंटल हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है। तो आइए जानें, किसी भी रिलेशनशिप में ओवर डिपेंडेंसी क्यों गलत है। पहले समझें रिलेशनशिप में और ओवर डिपेंडेंसी क्या मतलब है। रिलेशनशिप में ओवर डिपेंडेंसी का मतलब है कि अपने पार्टनर पर किसी चीज़ के लिए पूरी तरह निर्भर रहना। सॉरी, जैसे कि अगर आप किसी के काम के लिए पार्टनर की मदद लेते हैं तो उनकी मदद के बिना आपके लिए उसे संभालना मुश्किल होगा। रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी इमोशनली और फाइनेंशियली किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन अगर व्यक्ति हर तरीके से पार्टनर पर निर्भर है तो इसे ओवर डिपेंडेंसी कहा जाता है। रिलेशनशिप में ओवर डिपेंडेंट होना क्यों गलत है। ग्रोथ में रुकावट आना। ओवर डिपेंडेंसी की वजह से किसी एक पार्टनर की ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। जैसे अगर कोई अपने पार्टनर पर इमोशनली डिपेंड है तो उसके इमोशन अपने पार्टनर के एक्शन की वजह से कंट्रोल होंगे। ऐसे में उसके लिए अपने काम और अन्य चीज़ों पर ध्यान देना मुश्किल होगा। अगर कोई पार्टनर या फाइनेंशियली डिपेंड है तो अपने सभी ज़रूरतों के लिए निर्भर रहेगा। ओवर डिपेंडेंसी रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ने की वजह से बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति इमोशनली पार्टनर पर डिपेंड है तो इसके कारण वो पार्टनर पर शक कर सकता है। ये रिश्ते में बार बार लड़ाई होने या गलतफहमियां बढ़ने की वजह भी बन सकती है। इस तरह इमोशनल ओवर डिपेंडेंसी रिश्ते को खराब कर सकती है। स्ट्रेस और एंजाइटी होना। अपने पार्टनर से सपोर्ट ना मिल पाने के कारण कई लोग स्ट्रेस में रहते हैं। ये चीज़ ओवर डिपेंडेंसी की ओर भी इशारा करती है, जैसे कि खर्चे पूरे ना होने पर जिम्मेदारियां बढ़ना या पार्टनर से लड़ाई ना सुलझने वाली एंजाइटी होना, बेवजह दबाव बढ़ना। ओवर डिपेंडेंसी कई बार रिश्ते में दरार भी ला सकती है। इसकी वजह से किसी एक व्यक्ति पर जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है, जैसे घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले संभालना या हर बार खुद ही पार्टनर से झगड़ा सुलझाना। रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। सॉरी, ज्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से रिश्ते में सिर्फ गलतफहमियां बढ़ेंगी। इसके कारण रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं और एक दूसरे को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन कारणों से पार्टनर को एक दूसरे पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हर तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और सलाह करने के बाद ही अपनी जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।